Students, we have seen what are test metrics and how are they used. Now, we are going to see what is the importance of test metrics. We need metrics to track and control phases of testing and fixing. very interesting bugs were found, how many fixed, how many reopened, how many deferred, how many rejected, इससे मुझे बड़ा गोल्डन इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे अगर दो टेस्ट टीम्स काम कर रही हैं और दो डेवलपमेंट टीम्स काम कर रही हैं मुझे क्लियर हो जाएगा कि डेवलपमेंट टीम इज इज ऑफ जनरेटिंग कोड ऑफ बेटर वैल्यू एंड विच टेस्टिंग टीम इज मोर इफेक्टिव ओके वी नीड टू बेसिकली फाइंड आउट सिस्टम इज रेडी टू फॉर रिलीज हमें यह पता लगना चाहिए हमें अपने इन हाउस प्रोसेस इंप्रूव करने हैं हमें टेस्टिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है <coughs> देखिए टेस्टिंग कॉस्ट मी मनी टेस्टिंग इज नॉट ए क्या कह फॉर फंड एक तो एक्टिविटी नहीं हो रही ना जी अब मुझे चूंकि ये एक इकोनॉमिकल इकोनॉमिक एक, एक्टिविटी है एक कमर्शियल एक्टिविटी है अब हमें इसको देखना कि हाउ कैन आई ट्यून इट टू तो बी मोर एफिशियंट फाइंड आउट वेन डू स्टॉप टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर पे कब टेस्टिंग क्लोज हो जाएगी What is the trend? How do I do trend analysis? How do I meet client expectations? While collecting data and while performing analysis, we need to find out the whole, if the whole process was meaningful within the context of our organization, understand impact of metrics and the variance, and see reliability and consistency. हमें यह जरूर देखना है कि फ्रॉम डिफरेंट मेजर्स क्या ये एक्टिविटी uh, कन्वर्ज uh, कर रही है डाइवर्ज कर रही है इफ इफ इट इट इज इज डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग नॉट नॉट कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग नीदर दिस कोई अच्छी अलामत नहीं है इट शुड कन्वर्ज दी आपकी टेस्टिंग एक दिन क्लोज होनी है एक आपको और आप, आपको देखना है कि क्या ये आपकी फॉर एग्जाम्पल सौ रुपए का आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे एक सौ सत्रह रुपए लग गए आपके सिर्फ टेस्टिंग अलोन तो क्या आप कैसे आप इसको मीट करेंगे या कैसे जस्टिफाई करेंगे वी हैव मींस फॉर कंपेयरिंग आर रिजल्ट विद सम मार्क्स प्रोसेस केपेबिलिटी बेस लाइन्स अगर आप कलेक्ट करें अपने मीट्रिक्स तो आप ये भी जज कर सकते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू बेंच मार्क्स या अकॉर्डिंग टू सेट प्रिंसिपल्स या इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिस क्या आप बेहतर थे क्या आप उनके बराबर थे या स्लाइटली इंप्रूवमेंट रिक्वायड हैीट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू अब टेस्ट मीट्रिक्स को क्लासीफाई करने जा रहे हैं हम क्वालिटी प्रोडक्टिविटी कॉस्ट डिफेक्ट कवरेज एफर्ट स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस देखिए मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि टेस्ट मीट्रिक्स जो है क्लासीफाई विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी क्वालिटी को कौन जज करके देगा प्रोडक्टिविटी को मेरे सिस्टम की प्रोडक्टिविटी कैसे जांचूंगा कॉस्ट कितनी आई डिफेक्ट्स का क्या फेट uh, निकला कौन से डिफेक्ट्स जो थे वो डिफेक्ट्स फाइंडिंग एफिशिएंसी क्या थी डिफेक्ट्स की हैंडलिंग uh, एफिशिएंसी क्या थी ओवरऑल कवरेज सिस्टम की क्या थी मेरी एफर्ट मेरी uh, कितनी uh, कि, uh, जो है uh, क्या कहें इकोनॉमिकल थी मेरी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है इफेक्टिवनेस दी होल सिस्टम कितना इफेक्टिव है मेरा